कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए देश भर में फिलहाल लॉकडाउन किया हुआ है। इस दौरान गरीब और असहाय लोगों के सामने खाने की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष में सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से सूखा राशन वितरित किया जा रहा है। इसमें जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जैन समाज की ओर से 5,000 सूखे राशन के किट्स वितरित किए जा रहे हैं। इसके लिए पटवारी और गिरदावर को लगाकर पहले जिला प्रशासन ने जरूरतमंद लोगों की सूची बनाई। उसके बाद में सोमवार को नारायण सिंह सर्कल स्थित भटारक जी की नसिया से विभिन्न वाहनों में सूखा राशन रखकर उसे वितरण के लिए भेजा गया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भटारक जी की नसिया से हरी झंडी दिखाकर वाहनों को शुरू करने जा रहे थे, लेकिन फिर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने आवास से ही एक वाहन को झंडी दिखाकर वाहनों को शहर में जरूरतमंदों के लिए राशन वितरित करने के लिए रवाना किया। महावीर जयंती के उपलक्ष्य के अंदर दिगंबर जैन समाज के द्वारा निसहाय लोगों को, आशक्त लोगों को, उनको सूखा राशन वितरित किया जा रहा है, जिसके अंदर हमने कई जगह चिन्हित कर रखी है। जो ऐसे लोग हैं उनको जाकर के हम घर घर जाकर के उन सब लोगों को इन चीज़ों का वितरण करेंगे। सूखी सामग्री का जो 9.5-10 किलो के आसपास के, उनका एक पूरा पैकेट बनाया गया है। जरूरतमंदों का चिन्हीकरण किया गया है। हम हमारे पटवारी, रेवेन्यू स्टाफ जो भी है, जो फील्ड के अंदर कार्य करता है, उन सबको भेजा डोर टू डोर जाकर के। उन्होंने देखा कि भी कौन व्यक्ति है जिसके पास राशन कार्ड भी उपलब्ध नहीं है, किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिल रही, ऐसे लोगों को ही हमारे